Hello student, I am Bhumaram and I have brought a new topic before you. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आपको अच्छा लगे. आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वॉइस. वॉइस जिसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं. वॉइस का फुल एक्सप्लेनेशन आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं. वॉइस का फुल एक्सप्लेनेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से हम जो है पैसिव वॉइस में कैसे वाक्य को बदल सकते हैं. चले आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं. कर्ता या कर्म को प्रधान रखकर वाक्य का जो निर्माण करना है वो वाच्य कहलाता है. यानी कर्ता या कर्म को प्रधान रखकर वाक्य का निर्माण करना ही वाच्य कहलाता है. मतलब होता है अरेंजिंग ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू आइदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड वॉइस. यानी कर्ता अथवा कर्म के द्वारा वाक्य का जो हम निर्माण करते हैं उसे वॉइस यानी वाच्य कहते हैं. पैसिव वॉइस बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं? तो इसका पहला उद्देश्य है ऑब्जेक्ट को प्रधानता देने के लिए. हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ऑब्जेक्ट को प्रधानता देने के लिए. और पैसिव वॉइस बनाने का दूसरा उद्देश्य होता है सब्जेक्ट को गुप्त रखने या छुपाने के लिए. मतलब एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो टेंस के सारे वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे रखा जाता है. तो ये थी इसकी डेफिनेशन. आगे हम शुरू बात करते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं. तो वॉइस की अगर बात करें, अगर हम कहें एक वॉइस, तो वॉइस के दो भाग होते हैं. सबसे पहला होता है एक्टिव वॉइस और उसके बाद उसका जो दूसरा भाग होता है जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस. वॉइस का मतलब होता है वाच्य, एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस यानी कर्म वाच्य. यदि वाक्य को कर्ता जो है प्रदान कर दिया जाए यानी वाक्य कर्ता से शुरू किया जाए तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे. इसे हम टेंस के वाक्य जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस की श्रेणी में आते हैं. दूसरा पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस की श्रेणी में वे वाक्य आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है. अब एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं. जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसमें आई सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. जबकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है, इसमें पैसिव सब्जेक्ट होता है. जैसे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी. अब एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण हमारे सामने है. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं. ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का एक वाक्य है और ये टेंस के जो वाक्य होते हैं चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो, पास्ट इंडेफिनेट का हो या फ्यूचर इंडेफिनेट का हो, चाहे किसी भी कंटिन्यू का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य हो, ये सारे वाक्य जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं. अब एक्टिव वॉइस को हम जो है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो पैसिव वॉइस का उदाहरण हम आपके सामने है. इसको हम क्या करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाई, आई का हो जाएगा मी. अ लेटर इज रिटन बाई मी. उसके बाद देखिए शॉर्टकट नेम. एक्टिव वॉइस को एवी कहा जाता है और पैसिव वॉइस को पीवी कहा जाता है. अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम है जिनका हमें ध्यान रखना है. तो सबसे पहला नियम है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे. एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे. उसके बाद
पैसिव वॉइस में दूसरे स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पैसिव वॉइस में दूसरे स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सूत्र होगा, फॉर्मूला है 1, 2, being, 3, 4 and C। मतलब किसी भी पहले जो इंडेफिनेट टेंस है उसको हम कंटिन्यू में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू में, और फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर कंटिन्यू में चेंज करेंगे। कोई भी अगर कंटिन्यू टेंस आए तो बींग लगा देंगे। जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यू है तो बींग लगा देंगे पैसिव बनाते समय, पास्ट कंटिन्यू है तो भी बींग लगा देंगे, फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यू जो है वो नो चेंज, एनसी मतलब नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज। उसके बाद हम पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे अगर कहें रीड तो रीड रेड रेड, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे अंत में, परंतु ऑब्जेक्ट बनाने से पूर्व उससे पहले बी वाई बाई लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और न ही फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो पैसिव किस किस के बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बनता है और पास्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है। टोटली जो है 8 ऐसे टेंस है जिसका पैसिव बनता है। बाकी जो 4 टेंस है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। जैसे आई एम फ्लाइंग, क्या काइट, अगर काइट शब्द है ही नहीं एक्टिव वॉइस में तो उसका हम पैसिव नहीं बना सकते। उसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाते समय सर्वनाम में परिवर्तन होते हैं। जैसे यदि सब्जेक्ट में लिखा हुआ आ गया एक्टिव वॉइस में आई, तो पैसिव वॉइस में आई की जगह हम बाई मी लिखेंगे। अगर यू आ गया सब्जेक्ट में तो बाई यू लिखेंगे पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में ही आ गया तो पैसिव वॉइस में बाई हिम। अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में सी आ गया तो बाई हर। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में इट आ गया तो बाई इट लिखेंगे, और वी और दे आने पर हम उसको बाई लगाकर नहीं लिखेंगे। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। आई राइट अ पोइम, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट है मेन वर्ब है और अ पोइम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो अ पोइम। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो कंटिन्यू की एच लगेगी इज, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाई आई का हो जाएगा मी। अ पोइम इज रिटन बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप भी कोशिश किए करो ताकि आप बना पाओ। यू आर फ्लाइंग अ काइट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगेगी 1, 2, being, 3, 4 and C के सूत्र द्वारा। तो ऑब्जेक्ट है ये यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग मैन वर्ब और काइट ऑब्जेक्ट है। तो ए बी का जो ऑब्जेक्ट है काइट उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे अ काइट। इज आई एन जी आने पर बींग लगाएंगे हम मुख्य क्रिया से पहले बींग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन बाई यू। अ काइट इज बींग फ्लॉन बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज सोल्ड हर बाइक, हर पजेसिव केस है, देखो बाइक नाउन आ गया, नाउन से पहले पजेसिव केस चेंज नहीं होगा, तो हर बाइक का हर बाइक।
प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होगा। हर बाइक हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही सेम लिखेंगे, सोल्ड का सोल्ड और सी का बाई हर। हर बाइक हैज बीन सोल्ड बाई हर। आई कॉल्ड हिम, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यू कैच लगेगी, ही के साथ हिम का ही हो जाएगा, ही के साथ वॉज और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड और आई का बाई मी, ही वॉज कॉल्ड बाई मी। नेक्स्ट वाक्य है वी वर बाइंग फ्रूट, तो फ्रूट को आगे लाएंगे तो फ्रूट पास्ट कंटिन्यू में रहेगा तो वॉज, आई एन जी आया हुआ है इसलिए बींग लगाएंगे और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट और बाई अस नहीं लिखेंगे, वी और दे अन्य परम ने वापस नहीं लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे हैड ब्रोकन माई स्टिक, तो पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे माई स्टिक, हेड का हो जाएगा हेड बीन ब्रोकन और बाई देम नहीं लगाएंगे, माई स्टिक हैड बीन ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल ब्रेक दिस रूल, तो आप पैसिव वॉइस इसका बना के चेक करो एक बार, ऑब्जेक्ट है दिस रूल, आगे लाएंगे दिस रूल, शैल नहीं आएगा दिस रूल के साथ विल भी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में बदलेंगे, विल बी ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन और आई का हो जाएगा बाई मी, दिस रूल विल बी ब्रोकन बाई मी। अगला एक्टिव वॉइस का वाक्य है राम विल हैव हेल्प मी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो मी का हो जाएगा आई, वेरी गुड, विल हैव का विल हैव बीन लगाएंगे, हैज हैव या हैड आने पर पैसिव वॉइस में बीन लगेगा, फिर हेल्प बाई राम, आई के साथ सेल, हैव बीन हेल्प बाई राम। नेक्स्ट वाक्य यू डू नॉट, अगर एक एक्टिव वॉइस में नॉट आएगा तो पैसिव वॉइस में भी तीसरे स्थान पर नॉट लगा देंगे, तो ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, डू प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यू क्या चीज लगेगी, इज एप्पल एक क्वेश्चन है इसलिए एन एप्पल इज नॉट कट, कट की थर्ड फॉर्म कट 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 बाई यू, एन एप्पल इज नॉट कट बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वॉज नॉट रिपेयरिंग हर सूज, हर जो है वो पजेसिव केस है क्योंकि उसके बाद नाउन है, तो हर सूज वॉज नॉट है तो वापस लिखेंगे, फिर आई एन जी है तो बींग लगाएंगे और रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाई सी का हो जाएगा हर। उसके बाद है एक्टिव से पैसिव बनाने के नेक्स्ट नियम है यदि एवी, यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, मतलब डू डज डिड या इज आर एम वॉज वर या हैज हैव हैड, इन शब्दों से हो तो पैसिव में वो हेल्पिंग वर्ब मतलब टेंस के अकॉर्डिंग आगे रहेगी, शुरुआत में रहेगा, और यदि एक्टिव वॉइस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो पैसिव वॉइस को भी हम डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत डब्ल्यू एच ओ से हो यानी हु से हो तो पैसिव वॉइस में हु को हम बाई हुम में बदल देंगे, यानी हु की जगह हम बाई हुम लगाएंगे, और यदि एक्टिव वॉइस में हुम आ गया तो पैसिव वॉइस में उसे हु में बदल देंगे। चलो वाक्य शुरुआत करते हैं इन नियमों से संबंधित, इन नियमों के जो वाक्य है डू आई राइट अ पोइम, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई हुई है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे अ पोइम ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगा देंगे, इज अ पोइम फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और फिर बाई से बाद वो शब्द लिखेंगे जो मुख्य क्रिया से पहले हो, तो इज अ पोइम रिटन बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू फ्लाइंग अ काइट, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वापस हम भी प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अ काइट एक वचन है इसलिए हम इज लगा देंगे। इज अ काइट, फिर आईएनजी होने के कारण बींग लगाया हमने, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और बाई के बाद वो शब्द लिखेंगे जो मुख्य क्रिया से पहले है। अगर एवी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो पैसिव वॉइस के अंत में भी हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वापस लगाएंगे। हैज सी सोल्ड हर बाइक, हैज हेल्पिंग वर्ब आगे है, हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हर बाइक एक वचन है तो हैज हर बाइक, और हैज हैव हैड और विल हैव और शैल हैव आने पर बीन लगेगा मुख्य क्रिया से पहले। तो वाक्य बनेगा हैज हर बाइक बीन सोल्ड बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड आई कॉल हिम, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है तो इंडेफिनेट को हम कंटिन्यू में चेंज करेंगे। सूत्र है 1, 2, 3, 4 एनसी के अनुसार। तो हिम का ही के अनुसार वाज ही कॉल्ड बाई आई का जाएगा मी। अगला वाक्य है वर वी बाइंग फ्रूट, अब वी वर हेल्पिंग वर्ब है, हम भी आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर एक वचन है इसलिए वॉज फ्रूट आईएनजी होने के कारण बीइंग, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट और बाई अस नहीं लगाएंगे हम, बाई अस और बाई देम को नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वाक्य है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो उसी डब्ल्यू एच वर्ड को वापस लिखेंगे, जैसे वॉट का वॉट। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनेगा वॉट हैड, और फिर वर्ब की जो है ना बीन लगेगा, हैज हैव हैड विल हैव और शैल हैव के साथ हमेशा बीन लगेगा। वॉट हैड बीन ब्रोकन, हम दे और वी आने पर वापस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई सेल आई ब्रेक दिस रूल, अब डब्ल्यू एच वर्ड वाई है, डब्ल्यू एच वर्ड हु विच हुम वॉट हुज वेन वाई वेयर हाउ अगर आए तो हु और हुम को छोड़ के बाकी सेम लिख देते हैं। तो वाई का वाई, दिस रूल एक वचन है तो सेल का विल हो जाएगा, वाई विल दिस रूल, और फ्यूचर कंटिन्यू में बी लगेगा तो बी को हमेशा मुख्य क्रिया से पहले लगाएंगे, बी ब्रोकन बाई मी, वाई विल दिस रूल बी ब्रोकन बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डिड सी रिंग द बेल, तो डब्ल्यू एच वर्ड है हाउ तो हम वापस लिखेंगे हाउ का हाउ। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हाउ वाज द बेल, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिंग रैंग रंग, और बाई सी का हो जाएगा हर। हाउ वॉज द बेल रंग बाई हर। अब हु प्लेज हॉकी, मैंने आपको शुरू में नियम में देखे थे, हमने बताए थे कि हु का हम करेंगे बाई हुम, बाई हुम, फिर हॉकी एक वचन है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो कंटिन्यू की एचवी लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एचवी है इज आर एम, हॉकी एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे। बाई हुम इज हॉकी प्लेड। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद लगाएंगे पैसिव वॉइस में। अगला वाक्य है ये था बाई हुम इज हॉकी प्लेड। नेक्स्ट वाक्य है हुम आर यू कॉलिंग, तो हम हुम को हु में बदल देंगे, हु फिर ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाली लगाएंगे, हु इज फिर बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू। अगर एवी में डब्ल्यू एच वर्ड हो और फिर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट है एवी से पीवी बनाने के नेक्स्ट नियम। आगे के नियम इस प्रकार से हैं: यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो या डॉन से हो या नेवर से हो या लेट से हो तो पैसिव वॉइस को हम लेट से शुरू करेंगे। जैसे पहला नियम है
यदि एवी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे दूसरे स्थान पर, और लेट आने पर तीसरे स्थान पर बी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। दूसरा इसका फॉर्मूला है, यदि एवी में डोंट आ गया या फिर नेवर आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया तो लेट लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, फिर डोंट होने पर नॉट तीसरे स्थान पर लगेगा और फिर लेट आने के कारण बी लगेगा और बी हमेशा मुख्य क्रिया से पहले लगेगा और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तीसरा फॉर्मूला है, अगर एवी में लेट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो लेट एक मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया, ये ऑब्जेक्ट, ये मुख्य क्रिया, तो ये ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट आगे लिखेंगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को हम पहले ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे, फिर तीसरे स्थान पर बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर, फिर बाई लगाने के बाद इस पहले ऑब्जेक्ट का ज्यों का त्यों पीछे रख देंगे। अब इनके वाक्य देख लेते हैं। एवी से पीवी के सेंटेंस देखते हैं। ओपन द विंडो, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द विंडो ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म होने के कारण लेट लगाएंगे, फिर द विंडो को आगे लाएंगे और उसके बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो पैसिव बन जाएगा लेट द विंडो बी ओपन। दूसरा एक्टिव वॉइस है, अगर डोंट से शुरू हुए तो पैसिव में हम नॉट लगाएंगे, जैसे अगर वाक्य में डोंट फिर क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में योर आइज ऑब्जेक्ट है तो लेट योर आइज डोंट का नॉट, फिर लेट आने के कारण बी लगाएंगे पैसिव वॉइस में और फिर क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड लगा देंगे। नेक्स्ट नियम है, देखो ये हमने पहले वाक्य किए थे, अगर वाक्य एवी से शुरू है, एचवी से शुरू है तो पीवीपी एचवी शुरू करेंगे। हैज हर बाइक, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है, चलो अगर वाक्य जो है लेट, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य लेट हिम कॉल मी हियर, तो ये पैसिव वॉइस है तो लेट को हम लेट यहाँ रख देंगे, मी ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे और उसके बाद में लेट आने के कारण तीसरे स्थान पर बी लगाएंगे और फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हियर एक एडवर्ब है सेम जगह लिख देंगे वापस, और बाई के बाद हिम का हिम, ये वाक्य यहाँ पर गलत हो गया कुछ। अगला वाक्य है, डेकोरेट द रूम सून, कमरे को तुरंत सजाओ, डोंट थ्रो दिस डस्ट देयर, डोंट से शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और लेट से शुरू है, तो इन तीन वाक्यों को स्पेशली मैंने इन तीन वाक्यों को आपके लिए दिया है, आप इन तीन वाक्यों का पैसिव बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए इनका उत्तर जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट नियम है, एवी से पीवी बनाने के नेक्स्ट नियम, यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो तो पैसिव में इन प्लीज या काइंडली को हम इसकी जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, तथा बाकी वाक्य वापस उतार देंगे, जैसे प्लीज या काइंडली आ गया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो हम प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे, बाकी वाक्य वापस सेम लिख लेंगे। तो वाक्य देखते हैं, वाक्य है प्लीज ओपन द विंडो, तो प्लीज की जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और ओपन द विंडो सेम लिख देंगे। अगर प्लीज की जगह अगर काइंडली आ गया तो भी वही, काइंडली की जगह हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प हिम वापस लिख देंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो नेक्स्ट नियम है वो इस प्रकार से है,
कि यदि एक्टिव वॉइस में कर्ता के रूप में समवन आ गया, समबडी आ गया, एनीवन आ गया या एनीबडी आ गया या एवरीवन आ गया या एवरीबडी आ गया या नन आ गया या नोबडी आ गया या नथिंग आ गया या वी आ गया या दी आ गया, तो पैसिव वॉइस में उन्हें बाई के बाद इन शब्दों को वापस नहीं लिखेंगे। जैसे वाक्य देखते हैं, वाक्य है हमारे सामने Somebody has helped her, हर का सी हो जाएगा, हैज का हैज बीन और हेल्प्ड, और हम बाई somebody को वापस नहीं लिखेंगे। Everyone was playing football, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू में रहेगा, फुटबॉल एक वचन है आगे लिखेंगे, वॉच पास्ट कंटिन्यू रहेगा और आईएनजी आने के कारण बीइंग लगा देंगे और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई एवरीवन नहीं लिखेंगे। अब ये जो शब्द है समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये याद करने के लिए सूत्र है सेना ओ बेटी। सेना मतलब समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। देखो सम वापस से बताता हूँ, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी और नोथिंग, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग, ये सारे शब्द ऐसे इस सूत्र के द्वारा याद करेंगे। अगला है एवी से पीवी बनाने के नेक्स्ट नियम। यदि है जो एक्टिव वॉइस है वो मॉडल से शुरू हो, जैसे कैन, कैन का पास्ट कुड, सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट और मस्ट, अगर एक्टिव वॉइस में ये मॉडल आए तो पैसिव वॉइस में उन इन्हीं मॉडल को वापस जिस जगह आए उसी जगह वापस लिख देंगे। जैसे वाक्य हम देखते हैं तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, यू कुड सिंग अ सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, अ सॉन्ग को अ सॉन्ग लिख देंगे, कुड दूसरे स्थान पे है तो वापस लिख देंगे, फिर मॉडल आने पर हम जो है बी लगाएंगे, तो बी लगा दिया हमने, सिंग की थर्ड फॉर्म संग और यू का बाई यू। वॉट शुड राम प्ले, पहले हमने नियम देखे थे कि डब्ल्यू एच वर्ड आने पर डब्ल्यू एच वर्ड वापस लिख देंगे और शुड जिस जगह है मॉडल उसी जगह वापस लिख देंगे। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो बी लगा देंगे, मॉडल आने पर बी लगता है, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई राम का राम, डब्ल्यू एच वर्ड वापस लिखते हैं। अगला वाक्य है वैन वुड राम बाई अ बॉल, डब्ल्यू एच वर्ड को वापस लिखेंगे, वैन का वैन, वुड का वुड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मॉडल आने के कारण बी लगाएंगे और बी बीइंग या बीन हमेशा मुख्य क्रिया से तुरंत पहले लगेगा, फिर बाई लगा के राम को आगे लिख देंगे। अगला वाक्य है वॉट मे ही डू, तो डब्ल्यू एच वर्ड को वापस लिखेंगे, वॉट का वॉट, मे का मे वापस लिख देंगे और ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, मॉडल होने के कारण तीस हम बी लगाएंगे मुख्य क्रिया से पहले, फिर ही का हो जाएगा बाई हिम। हुम माइट वी पुश, तो हुम का हमने शुरू में देखा था, हुम का हु हो जाता है, हुम का हु, और फिर जो है माइट का माइट, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, बी लगा देंगे, पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड, और वी का बाई अस नहीं लिखते हैं। वेयर मस्ट दे प्ले, डब्ल्यू एच वर्ड आने पर उसी डब्ल्यू एच को वापस लिख दो, वेयर का वेयर, मस्ट का मस्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, मॉडल आने के कारण बी लगा दिया मुख्य क्रिया से पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई डैम को हम नहीं लिखेंगे। हु कैन कीप इट हियर, ये जो हियर है, देयर है या टाइम बताने वाले शब्द है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो हु का हो जाएगा बाई हुम, कैन का कैन
ऑब्जेक्ट इट है तो इट को हम इट की जगह लिख देंगे इट। फिर मॉडल होने के कारण बी लगाएंगे, फिर कीप की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कैप्ट, और ठीक है तो बाय होम इट बी कैप्ट हियर। अब विच पेन, यहां डब्ल्यू एच वर्ड जो है ये विशेषण है डब्ल्यू एच वर्ड, तो चार डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं जो अधूरे डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं, विच हुज हाउ मच और हाउ मैनी। तो विच हुज हाउ मच और हाउ मैनी के बाद वाला लिखा जो शब्द है ये पूरा साथ में रहेगा। तो विच पेन का विच पेन हम वापस लिख देंगे, शुड का शुड और उसके बाद बी लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, विद को वापस लिखेंगे, फिर बाई लगा के यू लगा देंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं वो आप तक प्राप्त हो सके।